नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र कुमार दैया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। पिछले वाले चैप्टर में हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा था, ये हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। इस वाले में हम सबसे पहले तो कि जब भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को काम में लेते हैं तो क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्सेज होते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन और फोर्सेज और साथ में जब मेटल को कट करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी उसमें लगती है, और वो उसमें से जो 98% एनर्जी है वो मशीनिंग की, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और हीट में कन्वर्ट होने के कारण उस जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के खाली 2% जो है वो इलास्टिक एनर्जी के रेंज में रहती, 98% जो एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट हो जाती। तो जो जहाँ पे जो कटिंग जोन है यहाँ इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो इस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण टूल को भी नुकसान होता है, वर्क पीस को भी नुकसान होता है, और यहाँ पर हमारे को कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये किस तरह से होता है, जैसे ये इस जगह यहाँ पे शेयरिंग पोर्शन है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन के कारण हीट जनरेट होती है, ये सेकेंडरी हीट जोन है, यहाँ पे भी जनरेट होती है, इस तरह से ये टर्शरी यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे भी हीट जनरेट होती है, इस तरह से बहुत ज़्यादा हीट इस पूरे में जनरेट होती है। तो इस हीट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो हीट पहले तो ये देखते हैं कि हीट किस तरह से, तो ये हीट का जो एक फॉर्मूला दिया है कि थीटा जो हीट है इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कटिंग वेलोसिटी, जो कटिंग स्पीड जो है उससे स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनेट है। तो इसका ये टेम्परेचर और हीट स्पीड का ये ग्राफ बनाया हुआ, इस तरह से ये दिया गया है। और इसी तरह से अगर अपन देखें जो चिप फॉर्मेशन और होता है, तो सरफेस फिनिश, सरफेस रफनेस किस तरह से आती है, जितनी ज़्यादा सरफेस रफनेस होगी तो उस हिसाब से ये, तब देखेंगे कटिंग स्पीड जो बढ़ेगी। ये फर्स्ट जोन है, फर्स्ट जोन में डिसकंटिन्यूस चिप जनरेट होती है, जनरली पुअर सरफेस होती क्योंकि कटिंग स्पीड कम होती है और सरफेस रफनेस ज़्यादा होती। फिर धीरे धीरे जब हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो सरफेस रफनेस कम होती जाती है, मतलब स्मूथ होता जाता है, और हमारा ये सेकंड पोर्शन आता है जो कि बिल्टअप एज वाला आ जाता है, चिप की जो साइज हमने पिछले वाले में बताई थी कि चिप किस तरह के तरह, तो फर्स्ट डिस, फिर इसके बाद जो जो स्पीड बढ़ती है तो इसके बाद जैसे जैसे देखते हैं तो हम इसकी सरफेस रफनेस कम होती जाती है, और ये थर्ड जोन में आ जाते हैं कंटिन्यूस चिप में। तो इस तरह से ये हीट के कारण चिप की किस तरह से ये फॉर्मेशन होती है, ये हमने इसमें देखा है। नेक्स्ट आता है कि इसके कारण, क्योंकि हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन भी होता है, तो इसमें जो टूल के लिए जो क्या है, जो टूल की एक मेन प्रॉपर्टी आती है, वो आती है टूल लाइफ। टूल लाइफ क्या है, जब टूल नो लॉन्गर डिजायर्ड फंक्शन कर रहे हैं, मतलब हमारे को उसको शार्प करना पड़ा है, जब टूल अपना काम करना बंद कर देता है और उसको हमारे को शार्प करना पड़ता है या रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो उसका जो टाइम पीरियड है कि एक बार शुरू किया हमने, स्टार्ट किया, उसके बाद जब उसकी डिजायर्ड काम करना बंद हो जाए तब वो उस जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को हम टूल लाइफ कहते हैं। टूल लाइफ मतलब मशीन ओवर लाइफ, आपने मशीन पर कितने टाइम यूज लिया वो उसका वो टूल ओवर कहलाता है। यूजफुल लाइफ ऑफ टूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्टार्ट ऑफ कट टू टर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कट, डिफाइंड बाय फिनिश, समटाइम्स आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स मशीन, मतलब कितनी बार यह कि कितने पार्ट्स ने मशीन किए, इससे भी टूल लाइफ को डिनोट किया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम आता है मशीनेबिलिटी, जो वर्क पीस है उसको कितनी आसानी से हम मशीन कर सकते हैं उसके बारे में हम इसमें आते हैं। तो मशीनेबिलिटी में आता है ईज ऑफ मशीनिंग, कितनी आसानी से हम मशीन कर सकते हैं, लो टूल वियर जिसमें टूल वियर कम हो, सरफेस फिनिश बहुत अच्छी हो, और कटिंग फोर्सेस कम से कम आए ताकि टूल की लाइफ बढ़े। तो ये टूल के बारे में हो जाता है। टेलर ने इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है कि वी टी रेस्ट टू द पावर एन इज इक्वल टू सी, ये आफ्टर 12 ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट टेलर ने ये फॉर्मूला दिया, जिसमें वी जो है वो कटिंग स्पीड है, टी है टूल लाइफ है इन मिनट्स, और एन है एक्सपोनेंशियल कंडीशन टेस्टेड, मतलब टेस्टिंग में जो एक्सपोनेंशियल है वो आता रहता है, और टेलर्स कॉन्स्टेंट है ये। तो सी टी रिप्रेजेंट्स स्पीड फॉर 1 मिनट एट एज टूल लाइफ, एक मिनट एज ए टूल लाइफ, अगर
एक मिनट टू लाइफ हो तो इसको वो रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए ये दिखाया गया है। तो इस तरह से ये टेलर का फॉर्मूले से हम टू लाइफ को और कटिंग स्पीड का एक रिलेशन हम देख सकते हैं। टूल लाइफ को अफेक्ट करने वाले जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले तो इसके जो बेसिक है कि कटिंग स्पीड वी, डेप्थ ऑफ कट इस पर भी डिपेंड करता है, और फीड रेट इस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से टूल ज्योमेट्री किस तरह की, टूल ज्योमेट्री अगर सही है कि उसके सारे एंगल्स किस तरह के हैं, नोज रेडियस कितनी है, उस पर भी इसमें टूल की लाइफ डिपेंड करती है। वर्क पीस मटेरियल पे डिपेंड करती है, वर्क पीस मटेरियल डक्टाइल है, सॉफ्ट है, हार्ड है, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर हम उस पर जो कटिंग फ्लूड काम में लेते हैं, ऑब्वियसली जब हीट जनरेट होती है तो उसके ऊपर हम कटिंग फ्लूड डालते हैं जिससे कि वो कूल भी हो, तो उस कटिंग फ्लूड के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। मशीन टूल एंड वर्क पीस रीजन, जो जिस रीजन में वहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे वो किस तरह का रीजन है, ज़्यादा हार्ड है, सॉफ्ट है, जितना लोड आ रहा है, और टूल मटेरियल कितना किस तरह का है उस पर भी डिपेंड करता है। टूल अगर काफ़ी हार्ड है कंपेरेटिव जो वर्क पीस है तब भी हीट जनरेशन कम होगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम कटिंग फ्लूड काम में लेते हैं। कटिंग फ्लूड का क्या काम है, बेसिकली कटिंग फ्लूड का एक तो काम है कि जो हीट जो जनरेट होती है उसको रिड्यूस करना। कटिंग फ्लूड कंटिन्यूस उसमें फ्लो रहता है, होता रहता है, तो जितनी हीट जनरेट होगी वो सारी हीट उसमें से कटिंग फ्लूड उसमें से एब्जॉर्ब करके उसको दूर करेगा। दूसरा, जहाँ टूल और वर्क पीस है वहाँ पे उसकी फ्रिक्शन को कम करेगा जिससे कि हीट जनरेशन और कम हो। तीसरा इसका है कि जो चिप फॉर्मेशन होती है उस चिप फॉर्मेशन को वो वॉश आउट कर लेता है, उसको बहा के ले जाता है ताकि चिप वहाँ एक जगह इकट्ठी नहीं हो और वो वॉश आउट होकर उसकी जो ट्रे है उसमें जाके इकट्ठी हो जाए। और तीसरा है कि क्योंकि जैसे मशीन की कटिंग होती है तो उस सरफेस पे एक बिल्कुल नई सरफेस जो आ जाती है बाहर आ जाती है, तो वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज या सल्फर ऑक्साइड का इनका इफेक्ट हो सकता है। तो इन सल्फर ऑक्साइड H2S NX2O इन चीज़ों का इफेक्ट होकर उसको वो ख़राब कर सकती है उस सरफेस को। तो जो कटिंग ऑयल है उस पर एक फिल्म पतली लेयर बना देगा, उस लेयर से उसकी जो नई सरफेस जो बनी उसकी सेफ्टी होती है। अब आता है कि कटिंग टूल जो मटेरियल है वो कौन कौन से हम जनरली काम में लेते हैं। तो जनरली जो ज़्यादातर जो काम में लिए जाते हैं वो हाई स्पीड स्टील, कास्ट एलोइज जिसमें स्टेलाइट्स आते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड आता है, सिरेमिक्स आते हैं, सेरमेट्स आते हैं, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड आता है, और पॉलीक्रिस्टलिन डायमंड आता है। ये अलग अलग ये जो टूल के जो मटेरियल या मटेरियल्स हम इसमें काम में लेते हैं। तो सबसे पहले कटिंग टूल मटेरियल की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो पहला तो एक हार्ड होना चाहिए। कटिंग टूल कम से कम 1.5 डेढ़ गुना ज़्यादा जो मटेरियल जिसको काटना उससे ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, कम से कम इतना हार्ड, तभी वो इजीली उसको काट पाएगा। दूसरा, कैपेबल ऑफ रिमेनिंग रेड हार्डनेस ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। मतलब रेड हार्डनेस से यहाँ पे मतलब है कि हाई टेम्परेचर पर भी अपनी शार्प एज को मेंटेन रखना, जितनी तो वो मटेरियल उस कितना हार्डनेस को मेंटेन कर सकता है वो उसकी कैपेबल होना चाहिए, तभी हम उस टूल को काम में ले सकते हैं। और आता है वियर रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली जहाँ पे काम कटिंग का मटेरियल होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी होता है तो घिसना नहीं चाहिए, तो वियरिंग से भी रेजिस्टिव होना चाहिए। एब्रेसिव रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं कि एब्रेसिव रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। शॉक रेजिस्टेंस, क्योंकि जहाँ पे कटिंग करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कटिंग लोड होते हैं और फोर्सेस होते हैं, तो उनको भी वो उसको झेलने की क्षमता होनी चाहिए कटिंग टूल मटेरियल में। फिर आता है जो टूल मटेरियल है वो इस तरह से हो कि हम उसको अलग अलग शेप और साइज़ में बना पाएँ, क्योंकि हमारे को कई तरह के वर्क करने पड़ते हैं जहाँ अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज़ होती, तो इसलिए उस शेप और साइज़ में हम उसको बना पाएँ, ये चीज़ उसमें प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अलग अलग मटेरियल किस तरह से। तो सबसे पहले लो एलो स्टील जो होते हैं, लो एलो स्टील में जो है वो हाई स्पीड स्टील से पहले काम में लिए जाते हैं, और इसमें हाई कार्बन और हीट ट्रीटमेंट के कारण कर जो हार्डनेस है रोकवेल हार्डनेस वो करीब 60 के करीब होती है, और ये गर्म होने पर इनकी हार्डनेस कम हो जाती है। फिर हम इसमें काम में लेते हैं हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील जनरली एलोइज होते हैं जिसमें टंगस्टन टाइप होते हैं, मोलिब्डेनम होता है, टंगस्टन मोलिब्डेनम का इनका कंपोजिशन होता है, ग्रेड 18
इनके जो परसेंटेज होते हैं 18% 4% 1%, इसके कंपोजिशन से हाई स्पीड स्टील बनते हैं, और हाई स्पीड स्टील ज़्यादातर सब जगह कटिंग मशीन जो मशीन टूल्स जो हैं वहाँ पे ज़्यादातर हाई स्पीड स्टील ही काम में लिए जाते हैं। हाई स्पीड स्टील सबसे ज़्यादा यूज है, इनकी जो हार्डनेस है रॉकवेल हार्डनेस वो 65 है, और इनको रीग्राइंड भी किया जा सकता है और थिन कोटिंग इन पे रहती है। कास्ट कोबाल्ट एलॉयज, दूसरे जो एलॉयज जो काम में रहते हैं कास्ट कोबाल्ट एलॉयज रहते हैं, इनमें इनको इसमें 40% से 50% कोबाल्ट होता है और वैनेडियम होता है 20-35% और अदर जो होता है वो 15-20% होता है। कास्टिंग ग्रेनाइट मोल्ड में इनको क्रास्ट किया जाता है, टफनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है पर हार्डनेस अच्छी होती है। एडवांटेज फिर आता है हमारा सीमेंटेड कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड या सेरमेट जो होते हैं या कोटिंग, इनमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और हॉट हार्डनेस मतलब गर्म होने पे भी काफ़ी हार्ड रहते हैं, वियर रेजिस्टेंस अच्छे होते हैं, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है ताकि वो गर्मी को जल्दी से बाहर छोड़ दें, और HSS से कम टफ होते हैं। नॉन स्टील जैसे ये काम में लेते हैं, स्टील ग्रेड्स टाइटेनियम कार्बाइड वगैरह ये इसमें कार्बाइड में ये सारे काम में लेते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड भी काम में लेते हैं मेनली, ये इनमें ग्रेन साइज इंक्रीज करने पर हार्डनेस और डिक्रीज हो जाती है, और कोबाल्ट इनकी और रफिंग और मिलिंग पर्पज के लिए ये ज़्यादा यूज होते हैं। फॉर फिनिशिंग लो कोबाल्ट इज डिजायरेबल, लो मतलब फिनिशिंग बनाने के लिए लो कोबाल्ट जो है वो काम में लिया जाता है। इस तरह से सेरमेट्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली टंगस्टन का जो है ये NI और मोलिब्डेनम ये काम में लेते हैं, हाई स्पीड पे काम में लिया जाता है इनको, और हायर स्पीड पर कार्बाइड से ज़्यादा हायर स्पीड पे हम काम में ले सकते हैं और बेटर फिनिश इसमें काम में आती है, हीट इसमें लो दी जाती है। कोटेड कार्बाइड 1970 के बाद इनकी मशीनेबिलिटी इम्प्रूव होती है, एक लेयर में थिन लेयर ऑफ वियर रेजिस्टेंस CVD और PVD सच एस TIC और इन सब की एक लेयर उस पर होती है, कोटिंग थिकनेस इतनी होती है इसमें, एप्लीकेशन कास्ट आयरन स्टील टर्निंग इनमें काम में लिया जाता है, और बेस्ट अप्लाइड एट हाई स्पीड वेयर डायनामिक फोर्सेस एंड थर्मल शॉक्स आर मिनिमम, जहाँ थर्मल शॉक कम हो डायनामिक फोर्सेस कम हो वहाँ पे ये बेस्ट सूटेबल है। इसी तरह से सिरेमिक्स सिंथेटिक डायमंड और ये जो काम में लिए जाते हैं, तो सिरेमिक्स जो है फाइन एल्यूमिनियम पाउडर इज प्रेस्ड एंड सिंटर्ड एट हाई प्रेशर टेम्परेचर, अदर ऑक्साइड सच एज जर्कम डाइऑक्साइड एडेड यूज्ड इन फिनिशिंग ऑफ हार्डन्ड स्टील, हाई कटिंग स्पीड लो डेप्थ ऑफ कट एंड फीड पे ये काम में लिए जाते हैं, नॉट फॉर हैवी इंटरप्टेड कटिंग, अदर सेरेमिक्स सच एज सिलिकॉन नाइट्राइड एल्यूमिना टंगस्टन कार्बाइड सिलिकॉन कार्बाइड ये सारे काम में लिया जाता है। इसी तरह से जो डायमंड है वो डायमंड हम जानते हैं कि वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, तो इसको जनरली यूजली अप्लाइड एज कोटिंग 0.5 mm की कोटिंग ऑन इंसर्ट पे की जाती और इनको फिर इससे काम में लिया जाता है। हाई स्पीड कटिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, नॉन फेरस मेटल के लिए ज़्यादा बेटर है, और क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड भी ये काम में लिया जाता है CBN जिसको बोलते हैं, ये स्टील और निकल एलॉय के लिए काम में लिया जाता है लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग टूल मटेरियल्स हैं, इनका भी रेफरेंस हमने IIT के जो लेक्चर हैं डॉक्टर J. राम कुमार इनसे लिया है। थैंक्स।